जन्म में बहुत सत्कर्म करके आए, बहुत पुण्य कर्म करके आए, तभी मेरी भक्ति मेरी उसकी रुचि चालू हो गई। भले करेंगे नहीं कौन, भले नाम नाम चालू जन्म बुरा, जो पूर्व पूर्व जन्म के बहुत पाप कर्म किए हैं, पापियों का मुंह से मेरा नाम, पापियों का मुंह से मेरा नाम नहीं निकलेगा। इसलिए उसको मेरे बोल राम, तो उसको मुंह से राम का नाम नहीं निकला। भले तू बोलता था मारो मारो, बोले हाँ, बोले मरा मरा तो बोल सकते हो, बोले हाँ नहीं तो बोल सकते हो, मरा मरा तो मैं बोल सकता हूँ। कहते ना उल्टा नाम जपत जग जना बाल भय ब्रह्मा समाना। इसलिए आप लोग मरा मरा बोलो तो सबके सब बोलो, बोलो मरा मरा जोर से बोलो, अपने आप राम राम हो जाता है ना, राम 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 अपने आप हो जाता है, हैं? इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी बताए ठाकुर जी के नाम में इतने शक्ति है। उदाहरण देते हैं, आप देखना खेती में जैसे जैसे गेहूं, जब गेहूं का खेती कैसे करते हैं, गेहूं को लेकर जमीन में से फेंक देते हैं, लेकिन जब फेंक देते हैं देखना वो उल्टा गिरे सीधा गिरे किस तरह से गिरे, लेकिन पेड़ जब होता है कैसे होता है सीधा। उसी तरह ठाकुर जी का नाम अगर किसी तरह से अगर मुंह से ले लिया, किसी तरह से ठाकुर का नाम लो, कहते अशेष अगहरति दो, कहते हमारी जन्म जन्मांतर का जो पाप को कहते ये सब के सब नष्ट कर देता है भगवान का नाम। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोले श्री हरि नाम संकीर्तन की जय, बोले श्री सचिनंदन गौर हरि की जय, जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। देखनी चाहिए। एक दिन उन्होंने सारे बच्चों को बुलाया, बोले देखो बच्चों तुम लोग को हमने जन्म दिया, लिखाई आप पढ़ाई आप शादी कर दिया, अभी तुम लोग शादी कर चुके बच्चे भी है, हम चाहते हैं और संसार में, हम लोग संसार में और नहीं रहे। आप देखना जितने संसार में रहोगे ना उतना संसार में नाती पोती बेटा बेटी में उतना ही उसमें इन्वॉल्व हो जाओगे और ज्यादा माया आ जाती है। बेटे में जितने आसक्ति देखना नाती पोती में ज्यादा हम आसक्ति हो जाते हैं। इसलिए भरत महाराज जी भजन के लिए गए, जिनका नाम पर भारत वर्ष हुआ, उन्होंने एक हिरण का प्रति थोड़ी सी आसक्ति हो गई, एक हिरण का प्रति आसक्ति हो गई, दूसरे जीवन में हिरण जन्म जन्म ली, क्योंकि वो हिरण को चिंतन करते करते मरे। ऐसे ही जीव ये जन्म मृत्यु का चक्कर में एक जन्म बाद दूसरे, दूसरे से तीसरे, हम ऐसे ही 84 लाख जन्म में भटकते हैं। इसलिए श्री परिजन बाबा बोले देखो बच्चों अभी तुम लोग अपना घर गृहस्थी को संभालो, अभी हम दोनों पति पत्नी अभी हम लोग वानप्रस्थ में हम जाना चाहते हैं। बोले पिताजी कोई बात नहीं, आप वानप्रस्थ में जाओ और भजन करो। लेकिन उन्होंने श्री नंद बाबा को राज्याभिषेक करके चले गए। जब गए अभी चार भाइयों का घर में संतान है, लेकिन श्री नंद बाबा का घर में कोई संतान नहीं, इसलिए वो बड़े दुखी है, घर में हमारे कोई बाल बच्चे नहीं। श्री परिजन बाबा कभी आशीश्वर महादेव नंद गांव में एक शंकर जिनका नाम श्री आशीश्वर महादेव, इन्होंने श्री आशीश्वर महादेव को पूजा किए, बोले नंद का एक बेटा हो जाए। इतने में आकाशवाणी हुई, बोले चिंता मत करो तुम्हारे नंद का ऐसे एक बेटा होने वाला है ना जिससे सारा दुनिया में तेरा जस जाए चलेगा, सारा दुनिया में तुम्हारे नाम होगा, उसको बेटा साधारण बेटा नहीं होगा। तब उन्होंने एकादशी व्रत रखे। देखो एकादशी व्रत बहुत सारे एकादशी व्रत है, एक एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी, श्री नंदा जसोदा ने ये पुत्रदा एकादशी को नहीं रखी, रखे तो ठाकुर का आशीर्वाद हुई, विष्णु का आराधना किए, ठाकुर का आशीर्वाद हुई, आशीर्वाद हुई तो अभी उन्होंने ब्रह्म मुहूर्त में उन्होंने एक सुंदर स्वप्न देखा। बोले श्याम चंचल चारु दीर्घ नयन बाल स्तवांक स्थले पयोधार स्फुट मसो क्रीड़ा मयाम लोक, ये स्वप्न देखे। अभी ब्रह्म मुहूर्त में जो स्वप्न है ना कहीं कहीं सही हो जाता है। इतने में नंद बाबा बोले जसुदे जसुदे मैंने एक बड़ा प्यारा स्वप्न देखा है,
जसोदा बोले मैंने भी एक स्वप्न देखी, पहले आप बताओ फिर मैं बताऊंगा। नंदोबा बोले मैंने स्वप्न देखा तेरी गोद में एक श्याम सवना सा एक सुंदर बालक तुम्हारी स्तन पान कर रहा था। स्तन पान करते समय ये दोनों धारों से दूध बहते बहते उनका कुर्ता भीग रहा था। मेरे को लगा स्वप्न नहीं, जैसे तेरे गोद में के लाला है। जसोदा बोले मेरी स्वप्न देख लो। मैंने भी स्वप्न देखा एक श्याम रंग का सुंदर बालक मेरे पीछे पीछे आ रहा है, कपड़ा खींच कर कह रहा मैया मैया मेरे को गोद में ले ले, मैया मेरे को दूध पिला ले। वो मैं चल रहा था और उसी रात कोई मैया जसोदा गर्भधारण करती है और ब्रज में हल्ला हो गया, भैया नंद बाबा की लाला होने वाला है। जितने गोपियां थी ना छह छह महीना पहले चौरासी लहंगा बना कर चुंदरी बना कर रखी, बोले नंद के लाला होगा तो हम इसको पहन करके हम बधाई देने के लिए जाएगी। हैं अभी नंद बाबा की बहन थी जिसका नाम थी सुनंदा, जिसका नाम थी सुनंदा नाम थी, वो तो छह महीना पहले आके घर में बैठी थी। बोले क्यों? बोले भाभी गर्भवती है ना, अभी लाला होगा तो मेरे को दहेज मिलेगा, मेरे को दान मिलेगा, नवला की हार मिलेगी। वो छह महीना पहले से आकर घर में बैठी थी, आकर घर का सारे काम काज को वो कर रही थी काम काज को। अभी पहले मशीन नहीं होता था, अभी जैसे बता मशीन में बोल देता ना बेटा होगा ना बेटी होगा, है कभी बेटी हो तो मार देते हैं बेटा हो तो रख देते हैं, लेकिन पहले ये सब मशीन नहीं होता था। लेकिन ये बड़ी बुरी माताएं कुछ लक्षण से बता देते थे बेटा होगा ना बेटी होगा। एक बड़ी बड़ी गोपी यशोदा से बोले, बोले यशोदा लगता है तेरे गर्भ में एक लाला होने वाला है। बोले पता कैसे चला? बोले तेरे जो होठ है ना वो पीला पीला दिख रहा है, पीला पीला दिखे मतलब है बेटा होगा। एक गोपी बोली तुमने कुंवारी अवस्था में तुमने जुड़ में केला तो नहीं खा ली? बोले क्यों? बोले ऐसे लगता है तेरे गर्भ में दो बच्चे होने वाले, सचमुच कृष्ण और श्री जोगमाया दोनों बच्चे थे। गर्भ में जब बच्चा हो माताओं को देना चटपटी चीजें अच्छी लगती है, नमकीन मिर्च खट्टा ये सब चीजें अच्छी लगती है। मैया जसोदा बोली मेरे को तो खीर खाने की इच्छा कर रही है, तो बड़े सुंदर गैया घी डाल करके और गैया की दूध से बड़े सुंदर खीर बन पाए और ठाकुर को उन्हें भोग लगाया और मैया जसोदा को खीर खिलाया। हाँ देखो माता ज्ञान रचना, जब गर्भ में बच्चा होना एक गर्भ संस्कार होता है, इसका मतलब है गर्भ में बच्चे रहते समय अगर सुंदर सुंदर ठाकुर जी का फोटो देखो है, ठाकुर का तस्वीर देखो, गीता पढ़ो रामायण पढ़ो, देखना वो बच्चा बड़ा संस्कार बनकर आएगा, बड़ा बुद्धिमान बनेगा और पिता माता की खूब सेवा करेगा, खूब उनकी आज्ञा को पालन करेगा। अगर गर्भ में जिसको गर्भ संस्कार कहते हैं, अब रामायण देखे होंगे मैया सीता जब गर्भवती थी भगवान राम सारे संतों को उन्हें बुलाए और वहां सत्संग करवाए। बोले सीते तेरे को पता है क्यों आज इतना संतों बुलाए? बोले क्यों? बोले अभी तू गर्भवती हो, अगर तुम सत्संग सुनोगे ना तेरे बच्चे बड़े संस्कार बन करके आएंगे। वो कौन बने हैं? बोले लव और कुश। रामायण देखे कि नहीं? कितने तीव्र बुद्धि के बने और कितने बलवान बने, इतने बलवान बने अपना सारे चाचाओं को उन्होंने धराशायी करके हैं, इतने चतुर सेना को उन्होंने धराशायी करके और इतने दो दो छोटे बालक इतने तेजी बने। अगर गर्भ में बच्चे रहते समय उल्टा पुल्टा पिक्चर डिस्को ध्यान से उल्टा पुल्टा गंदी चीज देखोगे वो बच्चा फिर दुष्ट बन कर जाएगा, दुष्ट बन कर जाएगा। इसलिए अब सारा दुनिया में जाओ हर घर में कहते हैं बच्चा बात नहीं सुनता, बच्चा बात नहीं सुनता, लेकिन पहले पहले बच्चों को देखो सवेरे उठ करके पिता माता की चरण छूते थे, श्रवण कुमार जैसे हुए कंधे पर लेकर के पिता माता को बुलाओं में तीर्थ करवाए हैं, तीर्थ करवाए। इसलिए गर्भ में बच्चे रहते समय गीता रामायण भागवत को पढ़ो, बच्चा बड़ा सुंदर बच्चा जन्म ग्रहण करेगा। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।
ऐसे लग रहा था आज ही बच्चे का जन्म होने वाले हैं। पहले गांव में क्या करते थे, 8 बजे तक जगे रहते थे, फिर खा पी कर तो सो जाते थे। अभी बोले लगता है आज रात को लाला की जन्म हो सकता है, एक ही काम करो, 2 घंटा 2 घंटा ड्यूटी लगवा दो, 8 से 10, 10 से 12। अभी 8 से 10 तक जिनको ड्यूटी लगवाए, बजरा दे दिया, ढोलकी चिमटा दे दिया, बोले बैठ कर कीर्तन करो। वो लोग कीर्तन कर रहे थे, बोले गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय लेकर के चले गए, जिसको बताई नहीं पड़ा। जब सवेरे सवेरे
सबके सब जो वो निद्रा में सोए हुए एकदम सवेरे सवेरे सुनंदा की नेत्र खुली, बोले देखा सबके सब सोए पड़े हुए, बोले भैया भाभी का क्या हालत है, देखो उन्हें दरवाजा खोल करके देखा मैया जसोदा की गोद में एक सुंदर बालक श्याम रंग के और नीली मणि जैसे शरीर से ज्योति निकल रहा था, तो भगवान है ना, बड़े सुंदर लाला किलकारी मारते हुए खेल रहा है। बोले भैया किसको बताए नहीं कब लाला की जन्म हो गई, पहले नंद बाबा को खबर दो मेरे नवला की हार मिले, लेकिन नंद बाबा कहाँ उनको ढूंढो, ढूंढते ढूंढते ब्रह्मांड घाट में देखा बड़े बूढ़ों को बीच में माला जप कर रहे थे, माला तो जप नहीं हो रहा था, सोच रहे थे घर में छोरा की कब जन्म होगी, लाला की कब जन्म होगी, छोरा कब, ऐसे ऐसे सोच रहे थे। इतने में श्री सुनंदा आकर के बोले भैया कमाल है गए हो, नंद बाबा तो छलांग लगा दी, बोले बहन कहा गई हो, बोले बताओ मेरे को क्या मिलेगा फिर मैं बताऊ, बोले ले नवला की हार तो ले ले, लेकिन बता दे घर में कहा गए हो, बोले भैया बात इतनी बड़ी जिसको सामने नवला का हार भी फीक लग रहा है, बोले क्या नवला की हार है तेरे को पता कितना कीमत है, बोले भैया बात बहुत बड़ी है जिसको सामने ये हार भी कुछ नहीं, बोले बता और क्या दोगे, बोले जमुना किनारे में जो जितना गैया चरते जितना जमीन जगह तेरे नाम पर लिख दूंगा, बोले भैया बात इतनी बड़ी उसको सामने ये भी फीकी है, बोले क्या बोल रहे हो ऐसे क्या बात है, बोले और क्या लोगे और क्या दोगे, बोले ले ट्रेजरी का सारे चाबी काट ले जो इच्छा खोल कर ले, लेकिन ये बता दो घर में कहा भैया है, बोले भैया तेरे घर में लाला भैया है, बोले श्री नंद के लाला नंद बाबा कितने तरस रहे थे क्यों घर में कोई संतान नहीं जो राज सिंहासन को संभालेगा, राज्यों को देखवा कोई है ही नहीं, उन्होंने बहुत यज्ञ तपस्या तीर्था तक उन्होंने बहुत कुछ किया था घर में के लाला की जन्म हो जाए, लेकिन जब सुना घर में लाला की जन्म हुई नंद बाबा तो वहीं से दौड़ लगाए और उन्होंने पहला बार जब लाला की मुख दर्शन की उन्होंने संकल्प किया, बोले नल आठ गैया में दान दूंगा ब्राह्मणों को और सात तीन का पर्वत दान दूंगा, जो तीन दान है वो बहुत बड़ा महत्वपूर्ण और गैया की जो दान है बताया जो वो दान ये सबसे बड़ा दान, इससे बड़ा दान जगत में कुछ नहीं, उन्होंने संकल्प किया, बोले पहले संतों को बुलाओ ब्राह्मणों को बुलाओ इनकी आशीर्वाद से घर में लाला भयो है, साधु संत आकर के बच्चे को आशीर्वाद दी, बोले काम करो जाओ ये ब्रज में ढिंडरा पिटवा दो, नंद के लाला भयो है सबके सब बधाई देने के लिए आए, जितने गोपियां थी ना सोलह सोलह श्रृंगार है सोलह श्रृंगार द्वादश आभरण पहन कर गई और दूध दही घी मिश्री लेकर के मटकियों में बड़े सुंदर श्रृंगार करके आ रही थी, कान में जो कुंडल पहनी हुई थी कुंडल जोर जोर से हिल रहा था, बोले क्यों, बोले तुम लोग पहुंचने से पहले हमें छोड़ दो हम पहले जाकर के कृष्ण को बधाई देंगे, और चोटियों में जो सुंदर फूलों की माला से श्रृंगार की थी और एक एक फूल गिरते गिरते उनके चरण में गिर रहा था, बोले क्यों, बोले जो लोग भगवान को बधाई देने जा रहे हैं उनके चरण की हमें पूजा करनी चाहिए, चरण की हमें पूजा करनी चाहिए, अभी जितने गोपियां थी ना मैया जसोदा को बधाई दे रही थी, मैया जसोदा को बधाई, देखो मैं बोलूँगा मैया जसोदा बधाई हो, आप लोग बोलना बधाई हो बधाई हो जोर से बोलना ठीक है, और सामने आ जाना, इसलिए मैं बोलूंगा क्या बधाई जोर से बोलना, बोले मैया जसोदा बधाई हो, कुछ गोपियां तो बोल रही और कुछ गोपियां चुपचाप बैठ रही, इनका मुंह नहीं खुल रही, जोर से बोलना भगवान जन्म हुए आनंद नहीं आ रहे हैं आपको हैं, आनंद आ रही ना, इसलिए बोले आनंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, और एक बार बोलना बोले मैया जसोदा बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, मैया बोली बधाई हो, बधाई हो ब्रज की गोपियां, ये बूढ़ी उम्र में भी मेरे को लाला के मुख दर्शन करने को मिलो है, लाला मेरो नहीं ये लाला तुम को लाला है, जितने ब्रजवासी कन्हैया को आशीर्वाद दे रही थी बोले क्या बोल रही थी, बोले जुग जुग जियो री जसोदा मैया
तेरो ललकार जब जियो मैया तेरो ललकार 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 जब जियो मैया जुग जुग जिया आशीर्वाद दे रही थी अभी सबके सब आ गए लेकिन अभी केवल दो व्यक्ति नहीं आए बोले कौन बोले एक वृषभान महाराज और कृतिका भैया कृतिका कौन है राधा जी की भैया का नाम अभी नंदा और श्री वृषभान महाराज बड़े मित्र आपस में वो जहाँ रहे ब्रज में पास पास में रहा करते थे जब ये नंदगांव में रहे वो बरसाना में रहे जब ये गोकुल में रहे वो रावल में रहे पास पास में रहते थे अभी उन्होंने निमंत्रण दिया वो भी कृतिका भैया वो भी बड़ी श्रृंगार करके राज बड़ी सुंदर लट झट श्रृंगार करके दूध दही घी मिश्री लेकर के अलग अलग मटकी में वो भी लेकर के आई जब आई इतने में नंदो उत्सव प्रारंभ होगा एक गोप ने एक लठिया लिए और जो मटकी थी ना वो मटकी को मारी मारते ही मटकी तो फूट गई और ये दूध दही से कृतिका भैया स्नान करती एक दही का दी होता है दही में हल्दी घी मिला करके एक दूसरे को पर लगाते हैं उसको मंगलवाची बताए गए अभी वहां पर इतने दही लाए थे ना वहां जैसे किचड़ किचड़ हो गया और प्यार फिसल फिसल करके एक दूसरे को पर गिर रहे थे गिर रहे थे और मक्खन के ढेले को ढेले उठा कर को दूसरों को फेंक रहे थे एक 100 साल की एक बूढ़ी माता जी आई थी वो तो ऐसे देख रही थी बोले भैया बड़ी जोर की मेहनत सब हो रहा है एक गोप ने किया क्या उठाया मक्खन के ढेला और माता जी की एक भी दांत नहीं थी उसको मुंह को नजर करके मारे मारते ही ना उनको मुंह में लगते दांत तो थी नहीं मुंह में लगता अंदर में सीधा सटल गया बोले भैया नंदा महोत्सव में कोई भूखे नहीं रहते हैं कोई भूखे रहते नहीं सबके सब गा रहे थे बोले नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की आनंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की जय जय कन्हैया लाल की हरी भोला लाल की जय कन्हैया लाल की हरी भोला लाल की जय कन्हैया लाल की हरी भोला लाल की जय नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की जय नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की जय कन्हैया लाल की हरी भोला लाल की जय कन्हैया लाल की और तेरे लाला की जन्म उत्सव में हम नाच रहे हैं और तुम बैठ बैठ कर देख रहे हो अरे कम से कम एक दिन तो नाच ले लाला भी एक दिन तो नाच ले यहाँ पर बड़ी सुंदर वर्णना करते हैं बोले नंद बाबा राजा है ना उनका जो आंगन है राजा का आंगन बहुत बड़ी नंद बाबा देखने में कैसे बड़े लंबे चौड़े एकदम गौरव भरने थे बहुत सुंदर नंद बाबा देखने में जितने ब्रजवासी थे ना नंदगांव और बरसाना के नंद बाबा को पकड़ करके ले अबलाज हमारे साथ में नाच ले एकदम बीच में खड़े कर दिए जब बीच में खड़े कर दिए और कमर में फेटे को बांध करके रखे थे एक तरफ में नंदगांव के गोप दूसरे तरफ में बरसाना की गोप दोनों तरफ में पकड़े हुए ऐसे लग रहा था मानो ये क्षीर समुद्र मंथन होने जा रहा है कल जो हम लोगों ने श्रवण किया था देवता दैत्य मिल करके लवण समुद्र को मंथन किया और देवता कौन बोले रजोगुण दैत्य कौन बोले तमोगुण लेकिन यहाँ दोनों ब्रजवासी निर्गुण है कल जब समुद्र मंथन हुई थी सबसे पहले जहर निकला बीज
जिसको भोले बाबा ने पान किया तो जिनका नाम क्या पड़ गया? नीलकंठ। हाँ बोले नीलकंठ महादेव की, जिनका नाम नीलकंठ नाम पड़ गया। लेकिन यहाँ पर सबसे पहले कौन आए? बोले नतस्तु आत्मा तो जाता लाभ मान। यहाँ पर स्वयं आनंद कंद कृष्ण स्वयं यहाँ पर प्रकट हुए। कल जब समुद्र मंथन से 14 रत्न निकला, लेकिन सुखदेव गोस्वामी के पड़ी थी नंद बाबा इतने हीरे जवाहरात को लुटा रहे थे, ब्राह्मण लोग तो गठली बांध बांध करके ले नहीं पा रहे थे। गठली की कोने से हीरे जवाहरात गिरते 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 जा रहा था और अली गलियों में हीरे जवाहरात बिखरा हुआ। ऐसे लग रहा था कृष्ण जन्म लेने पर माँ लक्ष्मी आनंद में गली गलियों में नाच रही है। माँ लक्ष्मी इतने हीरे जवाहरात, वहां पर श्री 33 करोड़ देवता जन्म उत्सव में आए थे, भोले बाबा भी आए थे। आप लोग बताओ भोले बाबा का वाहन कौन है? बैल। नंदी है। नंद बाबा ने 20 लाख गैया दान दी। जब दान दिए 20 लाख गैया, जब गैया के बाद में गैया दे रहे थे शंकर तो चक्कर में पड़ गए। बोले क्यों? बोले भैया मेरे जो वाहन अभी नंदी अभी बैल, ऐसे नहीं गैया को देते देते मेरे बैल को तो दान भी नहीं दे देंगे, फिर मेरे वाहन चला जाएगा तो मेरे चल चल कर कैलाश जाना पड़ेगा। शंकर तो कैलाश श्री नंदी का पूछ को पकड़ कर खड़े हो गए। बोले मेरे नंदी भी दान में नहीं चले जाए। वहां पर भैया पार्वती भी आई थी। पार्वती के दो बेटे हैं, कौन कौन है? गणेश और कार्तिक। गणेश और कार्तिक। बोले हाथी घोड़ा पाल की, उन्होंने हाथी घोड़े भी दान दिए। भैया पार्वती डर गई। बोले क्यों? बोले भैया मेरा लाला भी गजानन, गणेश का सर हाथी जैसे, ऐसे नहीं हाथी को दान देते देते मेरे लाला को तो भूल से दान भी नहीं देते। इसलिए इतने में उन्होंने लाला को क्या किया, उन्होंने गोद में उठा लिए और अपना चुपका करके लाला को चुपका करके खड़ी हुई थी। वहां पर धन कुबेर, जानते हो धन कुबेर कौन है? स्वर्ग के जितने हीरे जवाहरात जितने रुपया पैसा धन दौलत के जो मालिक वहां के हैं, वहां के ट्रेजर जो है, वो तो भी चक्कर में पड़ गए, वो उनका सर नीचा हो गया। बोले क्यों? बोले भगवान मेरे को झूठ मूठ का स्वर्ग का ये सारे ट्रेजर ने बना लिए और स्वर्ग में जितने धन दौलत नहीं उससे भी ज्यादा नंद बाबा लुटा रहे हैं। हाँ वो एकदम शर्मिंदा एकदम लज्जित हो गए और उनका सर नीचा हो गया। उनका सर प्रश्न है भैया इतना धन दौलत कहाँ से आए गोकुल में? जब कृष्ण जन्म हुए हैं तब वहां पर माँ लक्ष्मी श्री राधा रानी ने वहां पर आए। राधा रानी आदेश दी, देखो रिद्धि सिद्धि वैभव, आज मेरे प्रियतम कृष्ण का जन्मोत्सव है, इतने दान पुण्य हो जब तक ये दुनिया रहेगी तब तक लोग याद करते रहे नंद महोत्सव में कितने धन दौलत नंद बाबा लुटाए। वो जितने लुटा रहे इतना उतना बढ़ रहा था। बोले क्यों? बोले माँ लक्ष्मी पूर्ण लक्ष्मी श्री राधा रानी की वहां विद्यमान था। आप लोग रामायण सुने होंगे, जब अयोध्या से बराती आई ना, अयोध्या से बराती आई जनकपुरी में माँ लक्ष्मी के निवास, कौन लक्ष्मी? जानक सीता। सीता जी ने भी रिद्धि सिद्धियों का आदेश दिए थे, मेरे प्रभु राम की जन्म उत्सव में इतने दान पुण्य हो जब तक दुनिया रहे तब तक याद करे और बरातियों को ऐसे सेवा हो। जो बराती आए ना, बरनाती है, जब अयोध्या से बराती जनकपुरी में प्रवेश किए, जो गांव के लोग लोटे में जब शौच क्रिया लोटे में पानी लेकर जाते थे, देखा जो लोटे सब सोने के लोटे में पानी भर कर ले जा रहे थे, जो ब्रश था ना सोने की बनी हुई, जब हाथी घोड़े को स्वागत की वहां पर किशमिश काजू पिस्ता बादाम खिला रहे थे, अयोध्या वासी देखकर बोले हे भगवान ये क्या। और जो प्लेट में वह वर्णन आता है सोने की प्लेट और सोने की कटोरी, एक बार खाओ जैसे हम लोग एक बार खाना खा करके प्लेट को फेंक देते ना डस्टबिन में, एक बार खाओ सोने की कटोरी और थाली में और उसको डस्टबिन में फेंक दो, अयोध्या वासी तो तरस रहे थे हे भगवान सोने की कटोरी सोने में थाली में एक बार खाओ और डस्टबिन में फेंक दो। उनको तो इच्छा हो रहा था उठा कर कुछ ले जाए, लेकिन वही बोले भैया हम बराती आए फिर हमारा बदनामी होगी हमारी,
तब यहाँ वर्णना कर कितना आया कहाँ से, बोले वहाँ माँ लक्ष्मी स्वयं सीता देवी के निवास है, माँ लक्ष्मी की निवास है, रिद्धि सिद्धियों को उसने आदेश देकर रखी थी, इतने स्वागत हो अयोध्या वासियों को, इतने स्वागत हो दुनिया जब तक रहेगा याद करते रहे राम की जन्म उत्सव में क्या होता है। आप देखो अभी भी देखो साधारण जो थोड़े मोटे जो पैसा वाले एक एक शादी में, मैंने सुना था कोई एक मंत्री 6 करोड़ रुपया अपना बेटा करना बेटी की शादी में खर्चा किया था, कौन किया था 6 करोड़ रुपया। अगर एक साधारण व्यक्ति 6 करोड़ रुपया शादी में लगा सकता है, अगर भगवान की जब शादी हो आप सोच सकते हो क्या नहीं हो सकता है, हैं? मैंने कहा किसी ने अपना बेटी की शादी दी तो जितने बारात को एक एक तार उसने दिया था, मैंने सुना लालू, लालू का नाम सुनो यार, उसने उसने अपने बेटी की शादी में जितने लोग आए बारात दिया एक एक तार दिया सबको प्रेजेंट में एक एक तार। अगर ये साधारण दे सकते हैं फिर ठाकुर का शादी में फिर क्या नहीं हो सकता है, ठीक है ना। ब्रसी वृंदावन बिहारी लाल की है, इसलिए सबके सब आनंद में नाच रहे थे गा रहे थे। अभी हमारे प्रभु जी एक बड़े सुंदर एक भजन गाएंगे, कृष्ण जन्म होने पर कैसे सारे ब्रजवासी कैसे आकर के कैसे नाच रहे कैसे गा रहे और कैसे कीर्तन कर रहे प्रभु बताई जाएंगे। और देखो भगवान की जन्म उत्सव में नाचोगे ना फिर दुनिया में कहीं तुम्हें नाचना नहीं पड़ेगा, कहीं भी नाचना नहीं पड़ेगा। देखो संसार में हम सब नाच रहे कि नहीं बताओ, जगत में ऐसे कौन सा व्यक्ति जो नाच रहे, कोई बीवी को सामने नाच रहा है, कोई पति को सामने नाच रही है, कोई बेटे के सामने नाचता है, कोई पैसा को सामने नाचता है, कोई सास को सामने नाच रही है, कोई ननद को सामने नाच रही है, कोई बहू को सामने नाच रही है, कोई पोते को सामने नाच रही है, कोई फिर से 84 लाख के जेल में नाच ही रही है, ये 84 लाख के जेल में हम नाच ही रहे। आप बताओ कब तक नाचोगे, बोले जब तक ठाकुर के सामने नहीं नाच लेते हो, ठाकुर के सामने नाच लो ना फिर तो दुनिया में किसी को सामने तुम्हें नाचने का जरूरत नहीं, केवल बांके बिहारी के सामने केवल उनके सामने नाच लो, ठीक है ना। सबके सब खड़े हो जाए प्रभु जी बधाई जाएंगे और भगवान की बधाई में खुद नाचो कृष्ण करके बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की बोलो नंद के लाला की जय जय श्री राधे। हरि प्यारो यशोदा जी के लल्ला
Oh,
जैसे भगवान मानो जन्म लेने पर माँ लक्ष्मी कमल बन से प्रकट होकर के प्रभु को स्वागत करने के लिए आए, सारे ब्रजवासी देव देखकर हैरान हो रहे थे। बोले भैया ये आई कहाँ से? कुछ गोपियां जा रही थी नंद भवन में, अब ये पुतना उनको साथ में हिल मिल करके सीधा अंदर में चली गई। यशोदा रोहिणी कृष्ण को पलने में झुला रही थी, है इतने में वो गई सीधा गई। बोले इतने सुंदर लाला को थोड़ी पलने में झुलानी चाहिए, उसको तो गोद में लेकर के प्यार करनी चाहिए। सीधा कृष्ण को पकड़ कर गोद में उठा ली। लेकिन इतने सुंदर थी जसोदा तो बोली कृष्ण की मैया बनने का लायक तो यही है, कृष्ण जैसे सुंदर है इसकी मैया भी इतना सुंदर है। मतलब इतने सुंदर ही बनी हुई थी। जन्म में ऐसे क्या पुण्य किया है, क्योंकि जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंतराम कहीं आवत नाही। बोले शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश हो जाहि निरंतर ध्याने। लेकिन आज इसने ऐसे कौन सा पुण्य की, मैं परम ब्रह्म पूर्ण ब्रह्म सनातन में हूँ, लेकिन ये मेरे को गोद में उठा रही है। मानो ठाकुर जी आंख बंद करके उसको पूर्व जन्म को देख रहे थे। उसने क्या पुण्य किया, देखा सचमुच से ये बड़े पुण्यात्मा। क्यों? जब भगवान वामन अवतार में बलि महाराज के मंदिर में गए, ये रत्न वाला था। भगवान को दर्शन करके इसके मन में इच्छा हुई थी, अगर ये मेरे लाला बन करके आता तो गोद में लेकर के दिन रात इसको प्यार करता, हैं दिन भर इसको मैं प्यार करती। इसने देखा वही बलि महाराज का बेटे ही पुतना बन करके आए। ये पहला कारण है। दूसरा कारण है कृष्ण आए क्यों? बोले परित्राण आए और साधु नाम विनाशाय च दुष्कृता, दुष्टों को विनाश के लिए, संतों को पालन करने के लिए। सबसे पहले प्रभु पुतना को सबसे पहले मारे। अभी ठाकुर जी श्री गणेश करने जा रहे थे, उसको मारने के लिए जा रहे थे।
यद्यपि ठाकुर मारने वाले लेकिन बड़े दयालु थे, ठाकुर जी बड़े दयालु। अभी ठाकुर जी ने देखा जब इसको मैं मारूंगा कि तभी छटपट आएगी, अभी छटपट आएगी तो इसका दुख कैसे मैं देखूं, लेकिन ये तो माँ के रूप धारण करते हुए आई, इसलिए ठाकुर जी आंख बंद कर दी। कितना कारण हुआ? आप लोग कोई गिन रहे नहीं हो, कब बैठ रहे? कितना कारण हो गया? दो कारण हो गया। तीसरा कारण बताए, भगवान की गर्भ में विश्व ब्रह्मांड ठाकुर जी के गर्भ को अंदर में, लेकिन ये पुतना स्तन में तो कालकूट जहर लेकर के आई प्रभु का मारने के लिए। अभी भगवान जहर को पान करेंगे, लेकिन ठाकुर जी के पेट में अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड विद्यमान है। अभी विश्व ब्रह्मांड घबरा उठे, बोले हे प्रभु आप स्तन मान मत किया करो, क्योंकि स्तन में दूध है ही नहीं, वो तो बोले जहर जहर लेकर के आई, अगर आप जहर पियोगे तो आपकी गर्भ में विश्व ब्रह्मांड ध्वंस हो जाएगा, इसलिए हे प्रभु आप स्तन को पान मत किया करो। इसलिए भगवान आंख बंद करके मानव श्री भोले बाबा को याद कर रहे थे, बोले भोले जी जल्दी जल्दी आओ, बोले क्यों? बोले क्यों क्या? तेरा काम विष पीना और मेरा काम दूध पीना, इसलिए तुम विष विष को तुम पी लो और दूध दूध को मैं पी लेता हूँ। कितना कारण हुआ? तीन कारण हुआ। चौथा कारण बता रहे, बोले तुम ब्रज में बच्चों को मारने के लिए आई हो, जानती हो ये ब्रज में बच्चे कौन है? कहते सबके सब मेरे सखा रहते, कहीं ललिता कहीं विशाखा कहीं सीता सीता मधुमंगल, कहते ये सबके सब मेरे सखा सखी, मेरे सखा सखियों को मारने के लिए आई हो, मैं तेरे मुंह देखना नहीं चाहता हूँ, इसलिए मानो भगवान ने आंख बंद कर लिया। पंचमा कारण बताए, बच्चों का एक स्वभाव, कोई घर के कोई सदस्य हो उसको सामने बच्चे खेलते कूदते हैं, लेकिन कोई अनजान व्यक्ति देखकर डर जाते हैं, इसलिए मानो भगवान ने बोली तारीख कहाँ से आ गई, इसको कभी देखो ही ना, आई कहाँ से, इसलिए मानो ठाकुर जी डर से ठाकुर जी आंख बंद कर दिए। इतने में पुतना ने उनको मुंह में स्तन दिए, स्तन जब दिए ठाकुर जी स्तन क्या बात करेंगे, ठाकुर जी उसको प्राण श्वसन की, जब प्राण श्वसन की पुतना कृष्ण को छुड़ाने के लिए कोशिश की, कृष्ण का उम्र केवल 6 दिन का है, केवल 6 दिन का, लेकिन पुतना जैसे राक्षस भी कृष्ण को छुड़ा नहीं सकी। अभी सोच रही है किसी तरह से अगर मैं मथुरा चला जाऊं, भैया कंस कुछ ना कुछ भैया कंस करेगा। इतने में पुतना ने कृष्ण को पकड़े और पकड़ करके लेकर इस आकाश में उड़ चली। जब उड़ चली, हमारे टीकाकार लोग कहते हैं श्री कंस का एक सुंदर बगीचा थी, बड़े सुंदर फल फूल से भरा पड़ा हुआ, लेकिन कंस का निर्देश था कोई कृष्ण भक्त और कृष्ण को ये फल नहीं मिलनी चाहिए। फल किसको मिलनी चाहिए? मेरे को और जितने मेरे अनुजाई इनको मिलनी चाहिए। कृष्ण ने बोले दारी की दुनिया बनाया मैंने, ये दुनिया मेरा है और मेरे को मिलेगा नहीं और मेरे भक्तों को नहीं मिलेगा और कंस और उसका अनुचर को मिलेगा, जितने दुष्टों को मिलेगा अभी मैं दिखाता हूँ। उन्होंने सीधा पुतना को उड़ा कर वहीं पर ले गई और वो जो बगीचा थी ना वो बगीचा में पुतना को धड़ाम करके बगीचा में गिराए। बोले पुतना कितने बड़ी थी? बोले त्री गर्भवती बच्चे किसका है? बच्चे बहुत मिले, इसलिए ये तीन बोले त्री गर्भवित जो एक गर्भवित को 4 मील बताए और तीन गर्भवित मतलब वो थी 12 मील थी। जब उन्होंने पुतना को गिराए जितने पेड़ पौधा जितने वहां पर फल फूल सबके सब सत्यानाश हो गए, सबको खत्म कर दिए। तब हमारे टीकाकार लोग इसमें शिक्षा बताते हैं, देखो आप लोग तो 7 दिन तक कथा सुनोगे, ऐसे नहीं कथा भी खत्म और हम भी खत्म हो गए, कथा से कुछ ना कुछ शिक्षा लेकर के जाओ। आज इतनी सी शिक्षा लेकर के जाना, भगवान ये लीला को द्वारा क्या शिक्षा देते हैं। ये उपनिषद कहता है ईसा वासमिदम सर्वम जत किंचा जगत या जगत, मतलब है ये जगत में हम जो कुछ देखते हैं वो दुनिया को बनाया किसने? बोले भगवान, ये ठाकुर का जगत है, भगवान ने बनाया। फिर क्या करनी चाहिए? बोले तेना त्यक्तन भुंजिता, घर में जो कुछ खाओ ठाकुर जी को भोग लगा कर, ठाकुर जी को भोग लगा करके प्रसाद रूप में खाओ, फिर उसमें पाप नहीं लगेगा। नहीं तो उपनिषद कहता सब चोरी, सब चोरी करके खा रहे हो, जैसे आपका घर में पीना बोले हम घुस गए,
कोई सामान को उठा करके ले गया, मैं चोर हो गया, तो दुनिया तो ठाकुर ने बताया अगर वो बिना दिए खाओगे तो कभी सबके सब चोरी करना हो रहा है, चोरी करने पर जेल भोगना पड़ेगा। इसलिए घर में जो कुछ खाना खाए जाकर ठाकुर जी को भोग लगाओ, कृष्ण को, गोपाल जी को, तुलसी पत्ता देकर ठाकुर जी को भोग लगाओ। भगवान को भोग लग गया तो प्रसाद हो गया। इसलिए कृष्ण गीता में कहते हैं अर्जुन प्रसाद सर्व दुखाना, जो मेरे को भोग लगा कर खाना खाते हैं उसको घर में कोई दुख कष्ट नहीं आता है, बल्कि सब कुछ मुझे दे करके प्रसाद रूप में ग्रहण करता है। लेकिन जो मेरे को बिना दिए खुद बनाया, खुद चट कर खा लिया, अघम पापा, वो केवल पाप भोजन करते हैं जो मेरे को भोजन नहीं कराते, मेरे को जो खाना नहीं खिलाते हैं। देखो ठाकुर को देने का कितना पुण्य और नहीं देने का कितना बुरा है। आप लोग कृष्ण लीला देखे होंगे, जब कृष्ण सुदामा गुरु गृह में गए थे, एक दिन कृष्ण सुदामा वन में जा रहे थे, उनको गुरु माता ने सुदामा जी को कुछ चाना दिया, बोले सुदामा मुट्ठी चिड़िया मांग करके लाए, और ठाकुर जी एक मुट्ठी खाए, ठाकुर जी दो मुट्ठी खाए, जब तीसरे मुट्ठी खाने जा रहे थे इतने में सुदा श्री रुक्मिणी कृष्ण का हाथ पकड़ लिया, बोले प्रभु और नहीं खाना, अपने दो मुट्ठी खा लिया तो सारे ऐश्वर्य उसके घर में पहुंच गया, अगर आप तीसरे मुट्ठी खाओगे ना मैं तो लक्ष्मी को उसको घर में दासी बनना पड़ेगा। और सुदामा घर में आया, देखा सोने की महल बना था, उसकी पत्नी राज रानी बनकर के बैठी हुई, आओ सुदामा अपना घर को पहचान नहीं पा रहा है, सोचा मैंने शायद भूल में कहीं आ गया। अब उसका पत्नी छत को ऊपर से देखा, पति को आरती उतारने के लिए आई, सुदामा सोच रहा है भैया ये राजकुमारी मेरे को आरती उतारने के लिए क्यों आ रही है। सुदामा पीछे पीछे हट रहा था, उसको पत्नी ने कहा पीछे क्यों हट रहे हो, समझो बढ़िया से समझो, पैसा का एक नाम लक्ष्मी, पैसा का एक नाम लक्ष्मी, अब ये बताओ लक्ष्मी हमारी ना लक्ष्मी नारायण की, बोलो नारायण। जब लक्ष्मी नारायण की तब लक्ष्मी कब संतुष्ट होगी, जब वो लक्ष्मी नारायण की सेवा में लगेगी। लेकिन अगर हम लक्ष्मी को भोग करने के लिए जाए, हम भोग कर सकते हैं लक्ष्मी को, नहीं कर सकते, क्यों, वो नारायण की है, अगर वो नारायण की सेवा में लगेगी तो फिर लक्ष्मी संतुष्ट होती है, संतुष्ट होकर के लक्ष्मी की कृपा होती है। अगर स्वयं भोग करने के लिए जाओगे फिर तो लक्ष्मी बिगड़ जाती है, लक्ष्मी नाराज हो जाती है हमारे ऊपर में, भले ही पैसा तुम्हारे घर में आएंगे अरब खरब, लेकिन वो घर में सुख शांति नहीं रहेगी, बोले क्यों, लक्ष्मी को तुम भोग करना चाह रहे हो, लक्ष्मी तुम्हारी भोग्य नहीं, लक्ष्मी नारायण की भोग्य है, ठीक है ना। क्या करना बताओ, घर में जो कुछ खाना का है ठाकुर जी को सामने धरो, आप स्वयं देख लेना अगर भगवान की भोग लगाकर खाना खाओगे ना, कितना जैसे खाओगे अन्न वैसे बनेगा मन, हम जैसे अन्न खाएंगे मन वैसे बनेगा, अगर ठाकुर जी का प्रसाद पाते तो मन में शांति सुख आएगा, मन में शांति स्वयं देख लेना। जैसे देखो तुम्हारे घर में रोज हम खाना खाते हैं, कोई तिथि पर्व आ जाए जिस दिन ठाकुर को भोग लगाकर खाना खाते हैं, देखना रोज तो घर में खाना खाते हो, लेकिन जिस दिन कोई तिथि पर्व आकर के ठाकुर को भोग लगाकर खाना खाते हो ना, देखना उसमें एक अलग स्वाद आती है, आती कि नहीं बताओ, क्यों, ठाकुर जी को भोग लगा, ठाकुर जी को भोग लगा, अगर रोज रोज ठाकुर जी को भोग लगेगा खाओगे रोज ही बढ़िया बनेगा ना, रोज ही बढ़िया चीज हो, ठीक है। इतना चीज कम से कम लेकर के जाओ, जो कुछ खाएंगे ठाकुर जी को भोग लगाना, कौन कौन भोग लगाएंगे, हाथ नहीं उठा रहे, सबके सब भोग लगाते ना, देखो और एक चीज है, सब चीज तो भोग लगाएंगे, लेकिन अगर उसमें उल्टा सीधा कर बोले माछ मछली बना करके भोग लगाए फिर तो ये नहीं होगा ना। हाँ, और एक चीज है, हाँ देखो सबसे आप लोग तो कोई खाते नहीं, लेकिन एक चीज है, एक प्याज लहसुन जो है ना ये सबसे ज्यादा प्रतिबद्ध है, अगर प्याज लहसुन अगर डालोगे फिर कभी ठाकुर को भोग नहीं लग सकती है। इसलिए आप लोग कोशिश करना आप लोग प्याज लहसुन को छोड़ने के लिए, आप लोग नवरात्रि रखते हो, कौन कौन नवरात्रि रखते हो, करके सबके सब रखते हो, 9 दिन तक आप प्याज लहसुन खाते हो, नहीं, बोले क्यों नहीं खाते हो,
प्याज लहसुन क्यों नहीं खाते हैं? देखो इसकी दो एक में कथा सुनाता हूँ। हम क्यों प्याज लहसुन नहीं खाते हैं नवरात्रि में, और ठाकुर जी को भोग क्यों नहीं लगता है? पुराण में दो कथा आती है, भागवत में कथा आती है। जब समुद्र मंथन से अमृत निकली, देवता दैत्य दोनों अमृत के लिए झपट गए। इतने में दैत्य लोग जोर जबरदस्ती छीन लिए। इतने में ठाकुर जी मोहिनी अवतार में बोले, तुम लोग दोनों लाइन करके बैठो, अमृत में बंटवारा कर दूंगा। पहले बोले देवता को मैं पिलाती हूँ। देवता को पिलाते पिलाते जब पिला रही थी, ये चंद्र सूर्य के बीच में एक स्वर भान नामक एक दैत्य बैठ करके धोखे से अमृत पी लिया। चंद्र सूर्य ने कहा, प्रभु ये दैत्य ये देवता ने ये धोखे से अमृत पिया है। भगवान सुदर्शन चक्र को बुलाया और उन्होंने उनकी गला काट दी। जब गला काट दिए, जहां पर उसकी मांस गिर पड़ा वहीं पर ये प्याज की पौधा हुई। देखना, मांस जैसे लाल लाल रंग के, ये प्याज भी वैसे लाल लाल रंग के। जैसे मांस सड़ जाए बदबू आती है, आप कच्चा प्याज खाओ, देखना मुंह से इतने बदबू आएगा सामने, आप किससे बात नहीं कर सकते हो। जैसे यहाँ प्याज को काटो, जैसे यहाँ पर आप प्याज को काटोगे ना, देखना सब पूरा घर घर में उसकी बदबू आ जाती है। आप प्याज को काटो, आंखों से आंसू निकल आते हैं, आंखों से आंसू निकल आती है प्याज काटने पर। घर में प्याज के छोंक दो, देखना घर घर में भी बदबू फैली जाती है। बोले क्यों? उसका सृष्टि गंदी चीज से हुई है। जहां पर उसकी हड्डी गिर पड़ा वहां पर लहसुन की पौधा हुई, जहां पर उनका खून की बूंद गिर पड़ा वहां पर मसूर दाल हुई। ये एक कथा थी। दूसरी कथा आती है, पहले पहले ऋषि लोग अपना आश्रम में गैया पालते थे, ये गो माता है, इसलिए गैया को कोई मारते नहीं थे। पहले गैया को कोई नहीं मारते थे। अभी कोई अगर गैया बूढ़ी हो जाती थी, ये ऋषि लोग यज्ञ करके गैया को बलिदान देते थे। अग्नि में जो आहुति देते थे, ऋषि जब मंत्र पढ़ते थे, बूढ़ी गैया एकदम जवानी बनकर को प्रकट होती थी। कोई गैया बूढ़ी हो गई, एक यज्ञ के अनुष्ठान की और गैया को वहां पर बलिदान दिया, सबको हाथ में मांस पकड़वा दिया आहुति डालने के लिए। हर तरह के व्यक्ति होते हैं, किसी ने मांस देख करके उसको खाने की इच्छा हो गई, बोले सबके सामने खाऊं कैसे, बोले अभी मैं छुपा देता हूँ उसको राख में, जब सब चले जाएंगे घर में खा लूंगा। उसने राख में छुपा दी, सबके सब अग्नि में आहुति डाल दिया मांस को। ऋषि ने मंत्र खुद किया तो वो जो बूढ़ी गैया थी वो एकदम जवानी होकर के बूढ़ी गैया प्रकट हुई। लेकिन जिस अंग का मांस को उसने छुपा दिया था, देखा वहीं पर बड़ा घाव बना हुआ। ऋषि ने देखा, भैया इसका तो पूरा के पूरा शरीर भरा पड़ा हुआ, इतना स्थान खाली क्यों? उन्होंने ध्यान लगा करके देखा तो किसी ने मांस खाने के लोभ से उन्होंने मांस को छुपा करके रखा, फिर उन्होंने अभिशाप दे दिया। बोले जहां पर यह मांस को गाड़ दिया वहां पर प्याज की पौधा होगी, जहां पर हड्डी गाड़ दिया लहसुन होगा, और जहां पर खून का बूंद गिरा वहां पर मसूर की दाल होगी। आप लोग देख लेना, आपका एक पीढ़ी पहले, अपना हर घर में देख लेना, एक पीढ़ी पहले ये तीन चीजें कोई घर में नहीं घुसाते, कोई नहीं घुसाया करते थे तीन तीन चीजों को। और किसी हिंदू घर में ये प्याज लहसुन किसी हिंदू घर में नहीं चलता था। बोले क्यों? बोले पहले हर हिंदू लोग, आप देख लेना, अपना माता को देख लेना, अपना घर में माताओं को देख लेना, अपना मैया को देख लेना, घर में सबसे उठकर पहले गोपाल जी को स्नान करना, रामायण पढ़ना, घर में जो खाना वो ठाकुर जी को भोग लगा, ये करते थे ना। हर हिंदू घर में ठाकुर होता था, सबके सब घर में ठाकुर का सेवा पूजा करते थे, किसी घर में ये चीज नहीं आती थी। क्यों? सबके सब ठाकुर को भोग लगा कर खाते थे। लेकिन ये कली का प्रभाव बढ़ते 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 अभी धीरे धीरे इस चीज के सबके साथ खाना शुरू कर दिया है। ठीक है ना? कोशिश करना ये चीज को वर्जित करते हुए, केवल इतनी सी चीजें अगर छोड़ दोगे ठाकुर जी को भोग लगा सकते हो। स्वयं देख लेना, ठाकुर को भोग लगा कर खाओ। जिस दुख कष्टों को हम घर से दूर नहीं कर सकते हैं, देखना घर में अपने आप ये दुख कष्ट दूर हो जाएगा, घर में अपने आप शांति की वातावरण आ जाएगी। क्यों? सबके सब ठाकुर जी को भोग लगा कर खाते हो। ठीक है, करोगे कि नहीं? सबके सब ठाकुर को भोग लगा कर खाना खाओ।
बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री राम। अभी पतना को क्या किया, शरीर में आग लगाए। किसी व्यक्ति को अगर जलाओ देखना शरीर से बदबू निकलती है, लेकिन पुतना को जब जलाया उसको शरीर से अगुर कर्पूर चंदन की खुशबू आ रही थी। बोले क्यों, ठाकुर ने स्तन बांध किया, ठाकुर जी स्तन बांध कर लिया, इसलिए उससे बड़ी सुंदर खुशबू आ रही थी। तब श्री सुखदेव गोस्वामी कहते भैया देखो कृष्ण कितने दयालु, कृष्ण कितने कृपालु। तब उन्होंने एक श्लोक बोलते है, बोलेगा पुतना लोक बाला की मतलब पवित्र नाम मतलब नहीं जो अपवित्र थे। बोले दूसरे नंबर में वो राक्षसी, बोले तीसरे नंबर में कृष्ण के लिए क्या लेकर गई थी, बोले जहर बीस लेकर गई थी। इसका काम क्या थी, बच्चों का खून पीती थी, सारे बच्चों को मारती थी, इसकी अंदर में सारे अपगुण थे। लेकिन उसने जो एक माँ की रूप के बल धारण करके गई, थोड़ी सी नाटक उसने की, बोले मैया जसोदे इतने सुंदर लाला को थोड़ी पलने में झुलाते हैं, इसको तो गोद में लेकर प्यार करनी चाहिए। उसने मातृभाव से एक सेकंड के लिए कृष्ण को देख लिया, कृष्ण इतने में खुश हो गए और स्थान कहां दे दिया, गोलोक वृंदावन, उसको ठाकुर जी अपना चरण का स्थान दे दिया। तब यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी कहते हैं अगर वो पुतना अपवित्र थी तभी ठाकुर जी गोलोक वृंदावन दे दिया, अगर कोई ठाकुर जी के पास में नहा धो करके अच्छी कोई कपड़ा साड़ी पहन करके आए फिर ठाकुर क्या नहीं दे। जिसने ठाकुर के लिए बीज लाए, अगर ठाकुर जी इतने ऊंचे पर देते हैं, अगर कोई ठाकुर जी के लिए आओ कोई एक फूल की माला लेकर के आओ, उनके लिए कोई एक फल ले आओ, नहीं तो उनको कोई प्यारा वस्तु थोड़ी मक्खन लेकर के आओ, पर ठाकुर जी उसको क्या नहीं देंगे, उसको ठाकुर जी क्या नहीं देंगे। वो ठीक और बोले राक्षसी, अगर ठाकुर जी राक्षसी को इतने बड़ी पद दे सकते हैं, अगर कोई इंसान ठाकुर जी के पास में आए फिर ठाकुर उसको क्या नहीं देंगे। इसलिए सुखदेव गोस्वामी कहते भैया भक्ति करना तो श्री बांके बिहारी जी को भक्ति करो, क्योंकि बोले गुना अब गुना प्रभु देखो ना काम, कृष्ण का अंदर में विशेष गुण है, आपकी अंदर में जो दुर्गुण है ना उसको प्रति ठाकुर का नजर नहीं, आपकी अंदर में कोई छोटी सी कोई गुण हो ना ठाकुर जी के बोले गुण को देखते हैं, ठाकुर जी का भी अपगुण का प्रति ठाकुर जी नजर नहीं देते हैं। ये कृष्ण भक्ति में एक विशेष बात है। लेकिन दूसरे देवाधिदेवी को भक्ति करोगे, अगर थोड़ी सी कोई भूल चुकी तुम्हारी हो गई, लेने का देने पड़ जाएगा, वो माफ नहीं करेंगे तुम्हें माफ नहीं करेंगे। बोले क्यों नहीं माफ करेंगे, क्योंकि तुम्हारे साथ में उनका कोई संबंध नहीं, हमारे जो संबंध है केवल श्री बांके बिहारी से। बोले क्यों, कारण क्या, बोले तुम्हें वो माता च पिता, तुम्हें बंधुश्च सखा, तुम्हें कृष्ण कहते हैं। जैसे माँ की गोद में कोई बच्चा टाटी में साफ कर मैया फेंक देती है, फेंक देती ना साफ कर लेती है, साफ करती है, क्योंकि हम बांके बिहारी जी की बच्चे हैं, अगर उनकी गोद में कभी टाटी में साफ कर देंगे वो साफ कर देंगे। लेकिन दूसरे देवादेवी से हमारा कोई संबंध नहीं, इसलिए आप देखना भारत रामायण देखो भागवत देखो, जो दूसरे दूसरे देवादेवी को जो पूजा किया है नष्ट हो गए। आप लोग रावण का नाम सुने हो, कौन कौन रावण का नाम सुने हो, सुने हो, आप बताओ किसको पूजा करता था, किसको पूजा करता था, उसने शंकर जी की इतने भजन की, उसने उसका नाम दशानन हुई, दशानन क्यों ली, उसने 10 बार सर को काट करके शंकर जी को चढ़ा दिया, 10 बार उसने शंकर, इसलिए दशानन हुई। लंका को पाने के लिए कठोर तपस्या की। आप विभीषण का नाम जानते हो, विभीषण का नाम जानते हो, जानते हो, लेकिन विभीषण केवल प्रभु राम के चरण में आकर के केवल प्रणाम उन्होंने कर दिया, भगवान राम उनको राज तिलक लगा दिया, लंका दे दिया, उनको लंका दे दिया। देखो जिस रावण
लंका को पाने के लिए कठोर तपस्या की तब लंका को प्राप्त की, लेकिन विभीषण को कुछ भी नहीं करना पड़ा, एक बार केवल राम के चरण में प्रणाम कर दिया, भगवान राम राज तिलक लगा दिए, उसको लंका की राजा घोषणा कर दी। इतने में वहां पर सुग्रीव जी था, बोले प्रभु ये क्या कर रहे हो, रावण को अभी मारे नहीं आप, पहले इनको राजा बना दिया, अगर 1% अगर रावण अगर शरण में आ जाता है फिर रावण को क्या दोगे बताओ, आप तो लंका का राजा बना दिया विभीषण को, देखो ठाकुर जी कितने दयालु हैं। बोले मैं उसको अयोध्या राज्य दे दूंगा, रावण को अयोध्या दे दूंगा। बोले अगर अयोध्या दोगे भरत को तो अयोध्या दे करके आए हो, फिर भरत को क्या दोगे, बोले अपना गोलक वैकुंठ दे दूंगा, अगर गोलक वैकुंठ दे दो तुम कहां रहोगे, सबका अगर दे दे तुम कहां रहोगे, बोले मेरे लिए किसी चीज की जरूरत नहीं, मत भक्ता जत्र गायति तत्र तिष्ठा मिनारा, जहां पर मेरे भक्त मेरी कीर्तन करते हैं केवल मैं भक्तों का हृदय में रहता हूँ, भक्तों के बीच में रहता हूँ, मेरे लिए किसी चीज की जरूरत नहीं, ठाकुर जी इतने दयालु, ठाकुर जी इतने कृपालु हैं, इसलिए शंकर जी को भक्ति करो, लेकिन उनसे भक्ति मांगो, किस चीज की मांगो, शंकर जी भोले भंडारी, वो भगवत प्रेम को भक्ति को देने वाले शंकर जी, इसलिए उनके पास में दुनियादारी चीज मत मांगो, उनकी चरण में अगर भगवान की भक्ति मांगोगे, राम की भक्ति कृष्ण भक्ति मांगोगे, तो शंकर जी पार्वती मैया कृष्ण भक्ति देते हैं, क्योंकि गुरु है शंकर जी, पार्वती गुरु है, इसलिए इनसे दुनियादारी चीज नहीं मांग करके प्रभु की भक्ति और उनसे प्रेम मांगा करो। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। अभी प्रश्न आता है, बोले भैया कृष्ण सबसे पहले पूतना भी क्यों मारे, आप लोग बताओ तो राम, राम सबसे पहले किसको मारे थे, कौन बोलेगा हाथ उठा, राम सबसे पहले किसको मारे, कौन बोलेगा, ताड़का मारे था, और कृष्ण किसको मारे, पूतना को। देखो ये दोनों प्रभु करके ने एक शिक्षा दी है, ये पूतना, पूतना मतलब क्या, पूत मतलब होता है पवित्र, ना मतलब नहीं जो अपवित्र है, ठाकुर यही शिक्षा देते हैं, अगर आप मेरे को हृदय में बैठाना चाहते हो पहले दिल से पूतना को मारो, पहले ये गंदगी को हटाओ, प्रभु राम की ताड़का को मारे, बोले भैया ताड़का का मतलब क्या होता है, बोले ताड़का जो जीव को भगाता है, जीव को भगाता है, बोले जीव को कौन भगाता है, बोले ही काम क्रोध लोभ ही जीव को भगाता है, इसलिए पूतना, ये भी तीन अक्षर, ताड़का ये कितना अक्षर है, ये भी तीन अक्षर है, कहते ये पूतना ये भी स्त्री, ताड़का वो भी स्त्री, माना दोनों प्रभु करी करी एक ही शिक्षा देते हैं, अगर भगवान को हृदय में बैठना चाहते हो पहले ये पुतना को पहले हृदय से मारो, फिर जाकर के ठाकुर जी तुम्हारे हृदय में ठाकुर जी का निवास होगा। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राम। हाँ देखो हमारे बीच में एक तो प्रभु जी है, वो आपको पांच मिनट आपको कथा सुनाए, ठीक है, रबरी प्रभु जी कहाँ है, खड़े होकर खड़े हो जाओ, क्या शर्म लगता है, हाँ पहले तुम खड़े हो जाओ। देखो हमारे गुरु जी के शिष्य है, हमारे गुरु जी की ये लोग शिष्य है, आप इधर सामने आ गए, ये लोग गुरु जी की बड़ी सेवा करते हैं, पालकी में हर घर घर में ठाकुर जी को ले जाते हैं, और अपना संसार भी करते हैं, और उसको साथ साथ में ठाकुर को भजन करते हैं। अभी आपको ये बताएंगे हम घर में रहते हुए कैसे ठाकुर का भजन करते हैं, ऐसे नहीं ठाकुर को भजन करने के लिए घर वाले सब छोड़ दो, साधु संत बन जाओ, हम घर में रहते हुए भी साधु हम बन सकते हैं। देखना भागवत में जितने कथा सुनोगे ना, अंबरीश महाराज, प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज, गोपियां कहाँ पर थी, घर में थी, ये कहाँ रहती थी, घर में रहती थी, लेकिन घर में रहते हुए भी साधु थे, क्यों, घर में रहते हुए भी ठाकुर जी की भक्ति करते थे, घर में रहते हुए भी ठाकुर जी की भक्ति करते थे, इसलिए हम घर में रहते हुए हम कैसे भगवान की भक्ति करें, अपना पत्नी बच्चे सबको भगवान की कृष्ण का संसार बनाने चाहिए, इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, जिस घर में ठाकुर का भजन पूजा पाठ होना, तो घर नहीं वही वृंदावन, वृंदावन कहाँ पर है,
जिस घर में ठाकुर को सेवा पूजा भक्ति हो वही वृंदावन है और वृंदावन कहीं नहीं। इसलिए हमें घर में रह करके कैसे भगवान की भक्ति करनी चाहिए। देखो इनकी पत्नी भी यहाँ पर इधर आ सुप्रिया गौर भी इधर आ जाए इधर आ जाए सामने आ जाए इधर आ जाए। देखो ये इनकी पत्नी है ये फिजियोथेरेपी की डॉक्टर है ये फिजियोथेरेपी की ये डॉक्टर है सामने ये दोनों मिल करके खूब ठाकुर को सेवा करते हैं घर घर में पालक ले जाते हैं ठाकुर को ले जाते हैं घर में ठाकुर जी की पूजा करवाते हैं। इसलिए देखो ये दोनों मिल करके सेवा करते हैं ठाकुर जी को। हम भी चाहते हैं आप लोग भी घर में रहो अपना गृहस्थ धर्म को जागरण करो और घर में भगवान की भक्ति करो। जिस घर में ठाकुर जी का भक्ति होगा ना देखना बच्चे को भी गलत रास्ते पर नहीं जाएंगे शराब नहीं पियेंगे मांस नहीं खाएंगे बीड़ी सिगरेट नहीं फूकेंगे पिता माता की सेवा करेंगे सवेरे उठकर पिता माता की चरण छुएंगे और जब तक जिंदा रहेंगे पिता माता की सेवा करेंगे। क्यों बोले इनके ऊपर में अच्छे संस्कार पड़ रहे हैं इनके अंदर में अच्छे ही संस्कार पड़ते हैं समझ रहे हो। अगर जो बच्चा भगवान की भक्ति नहीं करेगा ना वो पिता माता की सेवा भी नहीं करेगा वो सेवा नहीं करेगा पिता माता की। क्यों उनको ऋणी नहीं मानेगा उनका ऋणी नहीं मानेगा लेकिन भक्ति की संस्कार पड़ेगा तो पिता माता की सेवा करेगा ठीक है ना। इसलिए आप कहीं भी रहो सब मिल करके भगवान की भक्ति करो। भगवान की भक्ति करोगे बच्चे सब हरिनाम करेंगे भगवान की भजन करेंगे तुमको लगेगा घर में नहीं आपको लगेगा जैसे हम वृंदावन में रह रहे। ये 5 मिनट कुछ बोलेगा ये 5 मिनट आपको कथा सुनाएगा।